हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैकेनिकल विंग। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस ग्राइंडिंग के बारे में। सरफेस ग्राइंडिंग को हम लोग सरफेस ग्राइंडर मशीन भी बोलते हैं। ओके, तो देखते हैं ये होता क्या है। सरफेस ग्राइंडर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फ्लैट एंगुलर एंड इररेगुलर सरफेस। सरफेस ग्राइंडिंग का हम लोग यूज़ करते हैं फ्लैट एंगुलर एंड इररेगुलर सरफेस के लिए। इन द सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस द ग्राइंडिंग व्हील रिवॉल्व ऑन अ स्पेंडल एंड वर्क पीस माउंटेड ऑन आइदर अ रेसिप्रोकेटिंग टेबल इज ब्रॉट इन टू कॉन्टैक्ट विद द ग्राइंडिंग व्हील। इन द केस ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग प्रोसेस, इसमें जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है वो स्पेंडल पे रिवॉल्व करता है, और यहाँ पे वर्क पीस जिस टेबल पे होता है वो टेबल रेसिप्रोकेट करता है। इसका मोस्टली यूज़ इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। यदि हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना हो एक्यूरेसी के साथ और हमारा वर्क पीस बड़ा हो, तो इसके लिए हम लोग लगभग सरफेस ग्राइंडर मशीन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट्स का क्या फंक्शन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे हमारे पास सरफेस ग्राइंडिंग का बेस होता है, जो कि नीचे फ्लोर के साथ कनेक्ट होता है। ये बेस कास्ट आयरन का बना होता है, क्योंकि कास्ट आयरन का हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है एंड गुड वियर रेजिस्टेंस होता है। ये बेस सारे असेंबली को एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। ये बेस मशीन के पूरे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ओके, इस बेस के ऊपर एक टेबल होता है जिसको हम लोग वॉक टेबल बोलते हैं। ये टेबल बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जा सकता है, मतलब लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकता है। इस टेबल को हम लेफ्ट और राइट की तरफ रेसिप्रोकेट करवा सकते हैं। इस टेबल के ऊपर होता है वॉक पीस। ये हमारा वॉक पीस है जिसका हमें सरफेस फिनिश करना है। बेस के ऊपर एक मैकेनिज्म होता है, इस पे दो व्हील लगा होता है। एक होता है हमारे पास हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील। ये हमारा हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील है। यदि हमें वॉक टेबल को लेफ्ट और राइट रेसिप्रोकेट करवाना हो तो हम इस व्हील का यूज़ करते हैं। इस हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील को यदि हम रोटेट करेंगे तो ये हमारा वॉक टेबल रेसिप्रोकेट करेगा लेफ्ट एंड राइट की तरफ इस टाइप से, और यहाँ से हमें लॉन्गिट्यूडनल फीड मिलता है लेफ्ट एंड राइट की तरफ। दूसरा व्हील हमारे पास होता है यहाँ पे, ये है क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। ये व्हील सैडल के साथ कनेक्ट होता है। इस वॉक टेबल के नीचे लगा होता है सैडल। ओके, तो उसी सैडल से कनेक्ट होता है हमारा ये व्हील, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील। ये क्रॉस स्लाइड आगे और पीछे की तरफ मूवमेंट देता है टेबल को, इस टाइप का मूवमेंट ये देता है। यहाँ पे हम दो मूवमेंट ले चुके हैं, एक लेफ्ट और राइट की तरफ, एक आगे और पीछे। इस बेस के ऊपर लगा होता है कॉलम। ये हमारा कॉलम है। इस कॉलम के अंदर सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। इस कॉलम के ऊपर लगा होता है व्हील हेड। ये हमारा व्हील हेड है, ये ऊपर और नीचे मूव करता है। ओके, इस व्हील हेड के ऊपर लगा होता है व्हील गार्ड एंड एब्रेसिव व्हील। ये हमारा व्हील गार्ड है और ये हमारा एब्रेसिव व्हील है। ये व्हील गार्ड ऑपरेटर को प्रोटेक्ट करता है चिप्स से। जब सरफेस फिनिश होगा तो उसके दौरान वॉकपीस से कुछ ना कुछ चिप्स वहाँ से निकलेगा, तो उस चिप से ऑपरेटर को नुकसान हो सकता है। सो उसके लिए हम लोग व्हील गार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि सारा चिप्स इस व्हील गार्ड से टकरा के नीचे ही रह जाए, किसी को हानि ना हो। ओके, कॉलम के ऊपर यहाँ पे लगा होता है वर्टिकल फीट हैंड व्हील। ये हमारा वर्टिकल फीट हैंड व्हील है। जब हम वर्टिकल फीट हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये हमारा व्हील हेड
पूरा सेट नीचे और ऊपर मूव करता है, तो यहाँ से हमें वर्टिकल मूवमेंट मिलेगा। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन को हम तीनों ही एक्सिस में मूव करवा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस व्हील के हेल्प से ये रेसिप्रोकेट करेगा लेफ्ट और राइट की तरफ। वर्टिकल फीड हैंड व्हील के हेल्प से ये वर्टिकल अप एंड डाउन मूव करेगा, और क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील के हेल्प से ये आगे और पीछे करेगा। तो तीनों ही एक्सिस में हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ पे कूलेंट सप्लाई के लिए एक नोजल लगा होता है, ये हमारा नोजल है जो कूलेंट सप्लाई करता है वर्कपीस एंड एब्रेसिव व्हील के बीच। ओके, जब हम हैंड ट्रैवर्सिंग व्हील को रोटेट करते हैं तो हमारा वॉक टेबल लेफ्ट और राइट की तरफ रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है, और वॉक टेबल के ऊपर वॉक पीस है, सो वॉक पीस भी रेसिप्रोकेट करना स्टार्ट कर देता है लेफ्ट और राइट की तरफ। और इस क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील को हम रोटेट करते हैं तो हमारा सैडल आगे और पीछे मूव करता है, और जब हम वर्टिकल फीट हैंड व्हील को रोटेट करते हैं तो ये हमारा व्हील हेड ऊपर और नीचे की तरफ मूव करता है। ये हमारा एब्रेसिव व्हील एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है, या फिर आप इसको स्पिंडल भी कह सकते हैं, और ये शाफ्ट मोटर से कनेक्ट होता है, मोटर इसके पीछे लगा होता है। जब हम पावर सप्लाई करते हैं तो शाफ्ट रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, और शाफ्ट से कनेक्ट होता है एब्रेसिव व्हील, सो एब्रेसिव व्हील भी हाई स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। और फिर हम इस हैंड व्हील के हेल्प से इस वर्कपीस को एक पोजीशन दे देते हैं। फिर उसके बाद हम वर्टिकल फीट हैंड व्हील को रोटेट करेंगे तो ये व्हील हेड पूरा सेट नीचे आएगा, और जैसे ही ये एब्रेसिव व्हील वर्कपीस को टच करेगा यहाँ से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वर्कपीस है, यहाँ से मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एब्रेसिव व्हील है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, और जैसे ही ये वर्कपीस को टच करेगा तो यहाँ से वर्कपीस का सरफेस फिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सरफेस ग्राइंडर मशीन का हम लोग यूज़ करते हैं मेटल को रिमूव करने के लिए वर्कपीस के सरफेस से, इसीलिए हम लोग इसको सरफेस ग्राइंडर मशीन बोलते हैं या फिर सरफेस ग्राइंडिंग बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग, इसमें हमारा आता है सरफेस ग्राइंडर मशीन आर हाईली प्रिसाइज मशीन्स प्रोवाइडिंग एक्यूरेट डिजायर्ड आउटपुट, इट प्रोवाइड गुड सरफेस फिनिश एंड दिस टाइप ऑफ मशीन रिमूव लार्ज टाइप ऑफ materials. Now, application of surface grinding machine. Okay, तो इसका application है, it is used in many industrial applications. Next is, surface grinder machine are used for different metal as well as plastic. इसका use हम लोग metal के लिए भी करते हैं और plastic के लिए भी करते हैं. It is also used in power generation. Next is, wind mills and railways are the big used of surface grinder machines. Wind mills and railways work में इसका हम बहुत use करते हैं surface grinder machine का. It is mostly used for flat and parallel surface. ये हमारा surface grinding machine है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने base बनाया था अपने diagram में, part by part जो आपको बताए थे, ये base है, ये हैंड व्हील है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा वॉक टेबल है जो कि रेसिप्रोकेट कर सकता है, यहाँ पे वर्टिकल फीट हैंड व्हील लगा हुआ है जिसके हेल्प से हम व्हील हेड को नीचे ऊपर मूव करवा सकते हैं, ये हमारा कॉलम है, और ये हमारा एब्रेसिव व्हील है और इसके ऊपर व्हील गार्ड लगा हुआ है। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑल सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।